दिन क्या करते हो? मैं बेड पे लेटा रहता हूँ। और अगर बेड पे लेटे लेटे थक जाते हो तो क्या करते हो? तो मैं सोफे पे लेट जाता हूँ। पूरा दिन लेटा ही रहता है। क्या करते हो? मैं तो जी बस चलाऊं। कहाँ चलाते हो? मन तो बीवी पे चलाने को करे, वहाँ चलाना सब इसलिए रोड पे चला लूं। अच्छा, बीवी क्या करती है आपकी? बीवी भी बस चलावे। अच्छा, वो भी रोड पे चलाती होगी? ना ना, वो मेरे पे चलावे। आपका फोन बज रहा है। उठा फोन, कब से चिल्ला रहे हो, समझ नहीं पड़ती, भजन घुसता नहीं। हाँ बाबू, आयो बस दो मिनट में, आपका हुक्म सर आंखों पे। इधर आ रे, बहुत दिन से देख रहा हूँ मैं तेरे को, हमारी गली के बहुत चक्कर काट रहा है तू। आज के बाद से हमारी गली में रोज आओ रोज जाओ। भैया हमारे बाप की रोड थोड़ी है। रोज आओ। ठीक है भैया, रोज आना, हाँ वेट करूंगा आपका। मम्मी आप क्यों रो रहे हो? बेटा तेरे पापा के ना ऑफिस में एक लड़की से चक्कर चल रहा है। तो आपको कैसे पता? बेटा वो तेरे पापा को ना कल मेरे बॉयफ्रेंड ने ऑफिस में एक लड़की के साथ देखा था। बेबी सुनो ना, हम लोग कल बात करें, मुझे बहुत तेज नींद आ रही है। ठीक है मेरा बाबू, आप अच्छे से सो जाओ, ठीक है, हम कल बात करेंगे। बाय, गुड नाइट, लव यू। बाय, गुड नाइट, लव यू। बेबी सुनो, मैं ना आज बहुत ज्यादा थक गया हूँ, हम कल बात करें। तुम मुझसे पीछा छुड़वाना चाहते हो? क्यों, आज से पहले तो कभी नहीं थके? तुम तो बोलते थे कि तुमसे बात करके मेरी सारी थकान दूर हो जाती है। बोलो, बोलते क्यों नहीं हो? हमारी करने गए थे क्या? मुझे पता है मेरा फोन रखते ही किसी और से बात करना होगा, किसी और का टाइम देखा के रखा होगा ना, वेटिंग में चल रहा है कोई, बताओ जल्दी से मुझे। गाइस, बड़े सैलून में आया था बाल कटवाने, इनने इतने बाल ना काटे, उससे ज्यादा तो पैसे काट लिए। और खुद देखो कितने शाने, लेडीजों की तरह कितने बड़ा रखे बाल। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। क्या देख रहा है, पैसे दिला। दे रहा हूँ भाई, पैसे दे पहले। एक तुमने काटा है मेरा, एक मेरी गर्लफ्रेंड ने काटा है। नहीं है बेटा, अच्छे से पढ़ाई लिखाई करो, फिर बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमोगे। तो मैडम जी आप क्यों रिक्शे से आती हो फिर? वो मेरी गाड़ी खराब हो गई ना इसलिए। अरे मैडम जी क्यों झूठ बोल रही हो, मैं तो पिछले 2 साल से देख रही हूँ तुम ऑटो से आते हुए। अरे वो छोड़ आती हूँ घर पे। चला की इसलिए ना पढ़ते हम। भाई साहब, आप मुझे एक कॉल करवा सकते हैं? ऐसे कैसे करवा दूं, क्या पता तू किसको कर दे फोन। यार मुझे बहुत जरूरी कॉल करनी है। अच्छा, पता किसे करनी है? अरे यार वो ना मुझे मेरी गर्लफ्रेंड ने मिलने बुलाया था, मेरा फोन बंद हो गया, अब वो मुझे ढूंढ रही होगी, तो बस मुझे उसे ही कॉल करनी है। चल नंबर बता। 888-1721। ये तेरी गर्लफ्रेंड का नंबर है? हाँ। अबे साले मेरी बीबी का नंबर है। जाओ सालो, कमा लो खुद का। क्या हो गया राजीव, कैसे मूड खराब है? अबे यार अभी बैंक वालों का फोन आया और मुझसे कह रहे हैं लोन की किस्त कब भरोगे। मैंने भी कह दिया यार, कब तक मेरे भरोसे बैठे रहोगे, आप आत्मनिर्भर बनो। यार मुझसे मांग रहे हैं, बताओ। तो वो अपने पैसे लेंगे ना तुझसे बाबली। तो मुझसे थोड़ी मांग रहे हैं, वो कह रहे हैं बैंक का लोन भरो, बैंक की जिम्मेदारी थोड़ी है मेरी। लोग कहते हैं कि प्यार में नींद उड़ जाती है, लगता है मुझे किसी से नफरत हो गई है। आजकल बहुत नींद आ रही है यार, टाइम ही जा रहा। वेटर। यस सर, योर ऑर्डर। बेबी क्या खाओगे? चीज कॉर्न पिज्जा। चीज कॉर्न पिज्जा कर दो। 450 रुपए। 450?
भाई तू रेट किसको बता रहा है? Oh, no. अरे सर ये फॉर्मेलिटी होती है हमारी। रेट किसको बता रहा है तू? अरे सर बैठिए ना। सर सॉरी सर बैठिए ना। हमें यहाँ पर खाना ही नहीं है, तू रेट किसको बता रहा है? क्यों अरे भाई साहब ये रेट बता रहा है हमें, गरीब समझ रहा है क्या? अरे कोई बात नहीं, छोड़ो। कोई बात नहीं क्या होता है यहाँ पे? मेरी इज्जत की बात होगी, तुमको कोई बात नहीं। चलो अरे सर रुक जाइए प्लीज। अरे नहीं रुकना हमको। अरे सर रुको ना। अरे सर वो मैडम क्यों गुस्सा कर रहे हो? यार मेरा ना पूरा मूड खराब हो गया है, हम कल मिलते हैं, तुम अभी जाओ। ठीक है मैं चलती हूँ, बाय। बच गया यार 450 का पिज्जा, वो मेरे पास तो सिर्फ 100 रुपए ही थे। हेलो एक्सक्यूज मी, एक बार पकड़ ना प्लीज। बहन जी कितने का है? कितने का है? 100 रुपए का। एक रुपए का। हौली 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 दिल मेरा कड़के, अख मेरी फड़के जदों देखे तेरे। साले तू मुझे मत देखेगा। तो क्या हो गया कामिल भाई? अरे यार बुरी नजर है इसकी। कैसे? तो काला मुंह है ना इसका। मतलब? मतलब यार तूने देखा ना ट्रकों के पीछे लिखा हुआ होता कि बुरी नजर वाले, तेरा मुंह काला। मतलब जरूरी थोड़ी हर काले कह रहे की बुरी नजर होगी। अब हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो काबिल भाई, मुझे भी नजर लगी इसकी। मतलब हम आप काला चेहरा लेकर कहीं घूम भी नहीं सकते। अभी जवेद वो देख, वो है रामपुर का यूट्यूबर, कितने फैंस है उसके। और एक तू है साले, 500 सब्सक्राइबर लेके टेल लिया। साले तू क्या मुझे कम समझ रही है? 500 सब्सक्राइबर है तो क्या हुआ, जलवा अभी तलक है? तू यही रुक, मैं अभी आ रही हूँ। एक फोटो जावेद भाई, एक फोटो। 500 सब्सक्राइबर है तो क्या हुआ, जलवा है हमारा। मान गया भाई जावेद को भी। देखो तुमने जावेद का जलवा। हाँ भाई मान गए तुझे भी। अबे ओ जावेद, तुमने सेल्फी लेने के 500 रुपए को बोला था, वो मुझे 100 रुपए में टला रही है और उन दोनों को 500 रुपए दिए। ला बाकी के पैसे निकाल। अबे साले कितना हरामी हो रही है, मैं समझ रहा था तेरा जलवा है, खरीद के ला रही है। तुम मुझे शॉपिंग कब कराओगे? बेबी मैं तुम्हें शॉपिंग तो करा देता पर अभी मेरे पास पैसे नहीं है और मेरी सैलरी भी खत्म हो चुकी है। तो एक काम करते अपन ना ब्रेकअप कर लेते, क्योंकि मैं तुम जैसे गरीब के साथ कब तक रहूंगी। भाई गर्लफ्रेंड ने गरीब बोलकर ब्रेकअप कर लिया। भाई वैसे उसने बोला तो सही है। अरे भाई पैसा तो बहुत है यार, बस ना एक अच्छी सी गर्लफ्रेंड मिल जाए। यार कितना अमीर लड़का है, इसे पटाती हूँ। हाय मैम साहब कुछ दे दो। बे चल जा यहाँ से, मेरे पास कुछ नहीं है। ओ भाई इधर आओ, ये लो। धन्यवाद मालिक। वैसे मैं आपको कैसी लगी? मुझे वो लोग बिल्कुल पसंद नहीं है जो गरीबों की इज्जत नहीं करते। सॉरी यार मैं 2 मिनट में आई। भैया सुनो ये लो। धन्यवाद मैम साहब। अब वो मुझसे इम्प्रेस हो जाएगा। अरे ये कहाँ चला गया? देख क्या रही है खेबड़ी। लड़कियों के कपड़े 50% ऑफ, चलो जल्दी से 4-5 ड्रेसेस ले लेती हूँ। भैया 5 अच्छी सी ड्रेसेस निकाल दो। ठीक है मैडम, ये लो मैडम। कितने हो गए? 5,000 हो गए। चलो देखती हूँ आज पार्टी में कौन सी ड्रेस पहनूंगी। फटा हुआ है ये भी, फटा हुआ है। साले ने 50% ऑफ का लालच देके मुझे बेवकूफ बनाया, उसको तो अभी बताती हूँ। क्या भैया आपने 50% ऑफ का लालच देके सारे फटे हुए कपड़े दे दिए, एक भी कपड़ा अच्छा नहीं है। मैडम लालच क्या, हमने तो क्लियर लिखा हुआ है लड़कियों के कपड़े 50% ऑफ, मतलब इसमें 50% कपड़ा कम है। हेलो भाई, आज मुझे हमारे सुपरस्टार सेलिब्रिटी से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी मिले, आइए आपको मिलवाता हूँ हमारी टीम से। दिलवाले तो बहुत देखते हैं लेकिन क्या भी जो पागल होता है ऐसे दिलवाले का पहली बार देखा है। अंशा जी मैं तुम्हें भूल जाऊँ और तुम मुझे भूल जाओ। रोक 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 रोक,
हेलमेट कहाँ है तेरा? सर वो ना मैं जल्दबाजी में घर पे भूल गया। ड्राइविंग लाइसेंस दिखा। सर वो भी मैं घर पे भूल गया। सर मैं अभी घर से मंगाता हूँ। चल जल्दी मंगवा और साइड में लगा गाड़ी। हेलो भाई कहाँ पर है? घर पर हूँ। बिरयानी खाएगा? हाँ हाँ खाऊंगा। तो आ जाना आप गेट पे। इमरान भाई सर इसके पास भी ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, मेरे पास भी ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, इसका भी चलान काटो और मेरा भी चलान काटो। सुहेल भाई यार शायरी का माहौल हो रहा है, एक शायरी सुना दो। हम आपको अगर नहीं जानते तो आप हमें नहीं जानते, हम आपको नहीं जानते आप हमें नहीं जानते, आपकी अम्मी की कसम हम आपको जानते ही नहीं है, अगर आप हमें नहीं जानते तो आप हमको नहीं जानते, मोहब्बतों की कसम हम आपको नहीं जानते, अगर आप हमें नहीं जानते तो हम भी आपको नहीं जानते, आपके अब्बा की कसम आपकी अम्मा की कसम हम आपको जानते ही नहीं। अबे चुप कर, चुप कर। मोहब्बतों की कसम हम आपको नहीं जानते अगर आप हमें नहीं जानते तो।